बिल्कुल भी नहीं बदली तुम, बल्कि और भी हसीन हो गई हो। तो तुमने मुझे अभी अभी पिक किया है एंड वी जस्ट मेट, और मिलते के साथ ही तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे सलमान। आई एम नॉट फ्लर्टिंग विद यू, दोस्त हो तुम मेरी, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ तुम्हें। थैंक यू, लेकिन तुम बदल गए, यू कंप्लीटली फॉरगॉट मी। ना कभी फोन किया, ना कभी सोचा यूएस चक्कर लगाने का, मिलने का, नहीं, क्यों? जानती तो कितना ऑक्यूपाइड होता हूँ बिजनेस में। Yes, you have a business empire now. I know that. Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस एम्पायर को खड़ा करने में बहुत मेहनत की है मैंने। I'm sure. And I'm proud of you. Thank you. राजे कितना बदल गया है यार, मतलब nothing same anymore. सब कुछ बदल चुका है। Obviously, जब तुम 10 साल बाद आओगी तो चेंज तो दिखेगा ना। Yeah, almost 10 years. Long time. वैसे एक बात कहूं तुमसे? तुमने अगर शादी नहीं की होती ना सलमान, तुमसे शादी कर ली थी। Wait, what? Come on, I'm just kidding यार, मजाक कर रही हूँ। इतना सीरियस होने वाली क्या बात थी? मतलब तुम मर्दों का प्रॉब्लम क्या है हाँ? किसी ने शादी की बात शुरू की नहीं है, and you just started daydreaming like what? I'm not daydreaming. और तुम ना बहुत beautiful हो। बिल्कुल नहीं, बदतमीज हो। Thank you for the compliment, by the way. वापस आते ही इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपसे, नाइस। और सुनो, कैसी थी फ्लाइट? फ्लाइट तो बहुत लंबी थी यार, थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी अभी। ओके, कोई नहीं, अब तुम कराची आ गई हो ना, बहुत घुमाऊंगा तुम्हें। ओ यू हैव टू। Must be Mehreen aunty, right? मैं आपको आराम से पहचान सकती थी क्योंकि सलमान आपके बारे में अमेरिका में इतनी बातें करता था कि मेरी मामा ऐसी है, मेरी मामा वैसी है। मोहब्बत जो करता है मुझसे। Exactly. इसलिए I had very clear picture of you in my mind. मॉम आप इसको छोड़ देंगे तो बस बोलती रहेगी। हाँ तो क्यों नहीं बोलूं? बोलना अच्छी बात होती है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सलमान जाओ, जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। जी मॉम। यू आर वेरी गुड मदर, आप बहुत ख्याल रखती हैं सलमान की। एक ही तो बेटा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाय द वे लीजे, मीट माय वाइफ अरुज। अरुज, शी इज माय फ्रेंड अलीज़े। हाय अरुज। आप लोग बातें करें, मैं वसाई से कह के कुछ खाने पीने का एहतमाम करवाती हूँ। एहतमाम? व्हाट्स दैट? मतलब खाना वगैरह की अरेंजमेंट करवाती हूँ ना। भूख नहीं लगी तुम्हें? यार आई एम स्टार्विंग सलमान, इतनी भूख लगी है। मैं लंच का इंतजाम करवाती हूँ। बाय द वे मैं एक बात बता दूँ, अलीज़ा जितने दिन भी पाकिस्तान में है ना, ये हमारे घर स्टे करेगी। नहीं नहीं यार, डोंट बॉदर प्लीज, मैं कुछ कर लूंगी। देखें ये क्या बात हुई मॉम। भाई अब तो सलमान ने कह दिया, तुम्हें तो रुकना पड़ेगा। मैं वसाई से कहती हूँ कि वो गेस्ट रूम रेडी कर दे। वसाई जी आई छोटी बीबी साहिबा।
जी आप चले मेरे साथ। जी और सुनो क्या चल रहा था यूएसए में, क्या रूटीन थी? बस कुछ नहीं, तुम बताओ, तुमने वापस आके कोई कांटेक्ट नहीं किया, बहुत बिजी हो गए थे। हम तो दूर हैं। अरुज हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रही है। वैसे सलमान मुझे तुम्हारा ये डिसीजन कुछ समझ नहीं आया। कौन सा डिसीजन? मतलब ये कि As far as I know you, तुम काफी choosy इंसान हो, बहुत picky हो, अपनी मर्जी से select करते हो सब कुछ। ये शादी किसे कर ली है तुमने? What do you mean? सलमान मेरा मतलब ये है कि this girl she's not your type। तुमने क्यों शादी की है इससे? अलीज़े, अरूज के बारे में कुछ मत कहना। वो मेरी मोहब्बत है, पसंद की शादी की थी मैंने उससे। हाँ यही तो हैरत की बात है, कैसे? Can we leave this topic? किसी और बारे में बात करें? छोड़ दिया। जो ये बताओ कि तुमने शादी का कोई प्लान नहीं किया, कोई पसंद आया तुम्हें? तुम जैसे हैंडसम बॉयज का ये बहुत बड़ा मसला है। अपने बारे में बातें सुनने का ना उन्हें बहुत शौक होता है। ठीक है बता देते हैं, एक लड़का पसंद आया था मुझे। शादी करनी थी मुझे उससे। उसने तो शादी कर ली। Such a stupid guy, right? अलीज़े, तुम हमेशा से मेरी अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। एंड सेकंडली तुम्हें तो पता है कि मैं मामा को छोड़ के अमेरिका कभी शिफ्ट ही नहीं हो सकता था। वो तो हमेशा मुझसे मिलने 3-4 महीने बाद आ जाती थी और तुम्हें भी पता है कि मैं उनके लिए कितना पोजेसिव था। तो सलमान तुमने अपनी मामा के लिए मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट किया था?